LIC IPO एक रिटेल निवेशक को जानने लायक सब कुछ। 2021 के बजट में वित्तीय मंत्री ने घोषित किया कि LIC का IPO इस साल होगा। सूत्रों के अनुसार IPO वित्तीय वर्ष 21-22 के दूसरे सत्र में कभी भी हो सकता है। यहां आने वाले LIC IPO के बारे में जानने लायक सारी चीजें दो भागों में विभाजित है, एक कंपनी के बारे में, दूसरा IPO के बारे में। LIC 69% से अधिक मार्केट शेयर के साथ भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। LIC के मार्केट डोमिनेंस के अलावा इस कंपनी की एक और खासियत है, सिर्फ LIC ही बीमा धारकों को सॉवरेन गारंटी प्रदान करती है। क्योंकि LIC लगभग 70% सरकार की मालिकी की है, LIC वित्तीय मुश्किल में होने के बावजूद भी सरकार बीमा क्लेम के भुगतान की गारंटी देती है। हालांकि LIC के फाइनेंस उत्तम है, उनके पास 160% का सॉल्वेंसी दर है जो सूचित 150% से अधिक है। LIC के पास 290 मिलियन से अधिक पॉलिसी धारक है और क्लेम सेटलमेंट दर 98.13% है। LIC के पास 2000 से अधिक ऑफिसेस है और सालाना 5000 करोड़ से अधिक सरप्लस जमा करता है। अब IPO के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा IPO होगा। LIC की मार्केट कीमत 13 से 15 लाख करोड़ होना अपेक्षित है और सरकार कंपनी के 5-7% लेने की योजना कर रही है। ये IPO की कीमत 1 लाख करोड़ जितनी कर देगा। डिलॉयट और SBI कैप्स IPO सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि LIC मैनेजमेंट IPO रिटेल सेगमेंट के 10% LIC पॉलिसी धारक के लिए बचाना चाहते हैं। बजट ने बीमा पर FDI मर्यादा बढ़ाकर 49% से 74% कर दी है। ये IPO में निवेशकों के ब्याज को बढ़ाएगा। आज ही एंजल ब्रोकिंग ऐप डाउनलोड करें और सारे IPO समाचार से सूचित रहे। जब IPO होगा आप एंजल ब्रोकिंग ट्रेडिंग खाते के साथ निवेश कर पाएंगे। आज ही एक खोले बस चंद मिनटों में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.